वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सजिदारन जी, एलएनटी की अगर पुट पे बात की जाए, 1580 की पुट ट्रेड कर रही है, डेट इज आप 1580 की पुट लेके आइए, इट्स 34। कैसी रहेगी ये पुट लेनी? आई मीन 34 रुपए पे ट्रेड करते हुए इसका प्रीमियम 34 रुपए है, ये एक बड़ा ब्रेकडाउन होगा अगर अगर ये ग्रिप में आया तो। जी, यहाँ पर 1600 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसने तोड़ा है, बट पिछले 3 दिनों से यहाँ पर कंटिन्यूसली डोजी फॉर्मेशंस है, तो मुझे लग रहा है ये एक हेल्दी ब्रेकडाउन हो सकता है। काफ़ी दिनों के बाद ये पर्टिकुलर मूव नज़र आ रही है, तो नीचे मुझे लग रहा है लगभग 1575 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, एंड ऑन द हायर साइड जो आज का जो डे हाई है मुझे लग रहा है उससे दूर का स्टॉप लॉस तो लगाना ही नहीं चाहिए, तो आई थिंक 1610 का स्टॉप लॉस काफ़ी हेल्दी होगा अगर आपको शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करनी है, एंड लोअर साइड मुझे लग रहा है 1575-1580 तक तो कंफर्टेबली यहाँ पर स्विंग्स बन सकते हैं एलएनटी में। एलएनटी आपके स्क्रीन पर आप देखें थोड़ा सा कोलैप्स होता हुआ, 35 ये पुट का प्रीमियम है अभी। हालांकि अगर आप देखें इन्होंने पुट का तर्क नहीं दिया है कोई, मैं सिर्फ स्क्रीन पर रख रहा था, थोड़ा कैपिटल गुड्स में पेन है, एलएनटी डे लो पर, बीएचएल डे लो पर, पी और बहुत से स्टॉक्स जो हैं वो डे लो पे स्लिप करते हुए। और एक बार लेके आइए आप LIC हाउसिंग फाइनेंस है 346, ये भी अगर आप देखें काफ़ी पेन बुल दौर में है। और बैंकिंग में एक SBI थोड़ा सा कोलैप्स होता हुआ, और HDFC जिसने इनिशियली एक स्ट्रेंथ दिखाई थी थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करता, बट स्टिल अगर आप देखें 16253 निफ्टी का स्तर है और 34500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करा, तो इंडेक्स पे किसी शॉर्ट के या फिर व्यू चेंज की बात नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच प्लीज एक बार लेके आइए एक और स्टॉक कैपिटल गुड स्पेस में, ABB, ये भी बैकफुट पे आता हुआ, तो कंप्लीटली अगर आप देखें जो कैपिटल गुड स्पेस है वो बैकफुट पे आके बैठा है। लेट्स ब्रिंग मारुति नाउ 7495, ये भी अगर आप देखें फ्लैट है। चोला फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सभी स्टॉक्स जो है वो डीलो पे आके ट्रेड कर रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक लेके आइए, ये स्टॉक अब अपने समझ लीजिएगा कि जनवरी 2021 के बाद के सबसे लोवेस्ट लेवल पे। राजेश जी, IDFC फर्स्ट बैंक 3715 मल्टी ईयर बेस तोड़ दिया, कहाँ जा रहा है ये स्टॉक अब? ये काउंटर कभी भी मुझे कंफर्ट नहीं दिया, फ्रेंकली स्पीकिंग हर लेवल पे इसमें कहीं ना कहीं पुल बैक पे यहाँ पे सेलिंग ही होती है, और इनफैक्ट आज तो इसने रिसेंट लो भी तोड़ दिया जो 38 के आसपास है, तो प्रोबेबली एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे 32-33 का टारगेट अनफोल्ड होता है, लेकिन वैसे चार्ट इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, मुझे लगता है ये इवेंचुअली ये 30 का लेवल दिखाएगा, सो एट अ लेवल ऑफ 37 इट्स अ क्लियर कट सेल फॉर मी, स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 38 का। IDFC फर्स्ट